बड़ौदा शहर में मुस्लिम समुदाय की ओर से नवलखी मैदान में हुए दुष्कर्म को लेकर मौन रैली निकाली। रैली शहर के गांधीनगर ग्रह से शुरू होकर रावपुर रोड होकर कलेक्टर कचहरी पहुंची, जहां मुस्लिम समुदाय के अग्रणियों ने शहर कलेक्टर शालिनी अग्रवाल को आवेदन पत्र दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मांग की है कि दुष्कर्म के अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी बात कि अगर इतने अंधेरा वहाँ पे है और जिसकी प्रॉपर्टी है सरकार अगर देख रही है, पुलिस वहाँ पे, हम बाहर रोड पे खड़े रहते हैं, मोबाइल लेके खड़े रहते हैं, दे जस्ट टेल अस कि आप यहाँ से जाओ, ठीक है। तो अंदर अगर वहाँ पे कुछ हुआ, तब ये जो भी सिचुएशन बनी है, अभी 6 दिन आज 6 डे है और लोग ये बोलते हैं कि अभी तक आरोपी पकड़ा ही नहीं गया, आई टेल यू आवर टैग गाय, ठीक है। वहाँ पे जो 2 मोबाइल फोन थे वो कौन से थे, उसको ट्रेस क्यों नहीं कर सकते आप? You can trace it down right now which 2 numbers were activated in that particular area. और मैं कहता हूँ अगर ऐसा नहीं है तो ब्रिज से इस ब्रिज के कॉर्नर तक और उतने एरिया में जितने 2,000-3,000 लोग थे सबको उठाओ, उसमें क्योंकि हमारे पास 3D sketch है, तो 24 घंटे के अंदर we have the guys. और अगर ये नहीं है तो CCTV उस 4 रास्ते पर है, इस 4 रास्ते पर है, उस गेट पर है, उस गेट पर है, हर जगह CCTV है मैम। Within an hour, we can trace till the home. वो जहाँ यहाँ से निकल के जहाँ गए हैं, अब वहाँ तक भी उनको ट्रेस डाउन कर सकते हैं। वो आए कहाँ से थे, वो भी हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर पुलिस कम पड़ती है तो हम लोग खुद CCTV के अंदर वीडियोस देखने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है। बस आप परमिशन दो, आप हमें सपोर्ट करो, इट्स जस्ट 24 आवर्स वर्क, हो जाएगा। बिकॉज आई एम अ टेक गाय, आई नो फोन कम्युनिकेशन से आप पकड़ सकते हो कौन से 2 नंबर वहां पे एक्टिवेट थे। उस दरमियान में तीसरी लड़की पास फोन था, आई डोंट नो, उनके घर वालों को पूछना पड़ेगा, लेकिन वो 2 लड़कियां पास, एक के पास तो फोन होगा, देयर विल बी अ फोन। फोन बिना आज की तारीख में कोई नहीं हो सकता, एग्जैक्टली उसका लोकेशन डॉट पकड़ा जाएगा टाइमिंग के साथ, और जब वो एंट्री हुआ तो उसके दूसरे CCTV कैमरे से आप उसका फेस डिटेक्ट कर सकते हो। कहीं से तो एग्जिट हुआ ना, वो जंगल में विश्वामित्री से तो गया नहीं होगा। सो डेफिनेटली मैम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पुलिस को बोलिए हमारा सपोर्ट करे, हम पुलिस का भी सपोर्ट करने तैयार है। और एक मिनट,
ये चीज ऐसी नहीं है मैम कि आज ही एक हुआ, सेम प्लेस पे मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक और साइकिल चलाने जाता हूँ डेली। 2017 में मुझे वहां से निकाला गया, बोले यहाँ पे कुछ गलत हरकत हुई थी 2017 में, अर्ली लेट 2017 के अंदर, तो मुझे ऐसा बोला गया था कि अब यहाँ पे आप नहीं आ सकते। तब से मैं वहां नहीं जाता हूँ और वहां पूरा सीसीटीवी सर्वेलेंस मैम लगा हुआ है और पुलिस वहां पे राउंड मारती है, लेकिन फिर भी पुलिस का डर नहीं है किसी को। और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे फेंसिंग क्यों नहीं है? वो प्रॉपर्टी ना मेरी है ना पब्लिक की, किसी और की है। वो प्रॉपर्टी किसकी? आई गेस किसकी है वो प्रॉपर्टी? लेकिन पुलिस के तरफ से मानसिक बलात्कार तो रोज ही होता है, तुझे क्या किया, तुझे कब लेगा, तुझे कितने, ये सब बच्ची को पूछ पूछ के इतना मानसिक टॉर्चर हो रहा है कि उतना वो कोऑपरेट कर रही है फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं उसके दर्द को समझने के लिए होना जरूरी नहीं है। एसएससी हॉस्पिटल में पूरी रात उसके साथ मैं थी, उसके जख्म मैंने देखे है, उसकी पूरी हालत मैंने देखी है। मैम आप एक लेडीज हो तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप जल्द से जल्द पुलिस को सीबीआई को ये केस दो और हमारी लड़की को न्याय दिलाओ ताकि कोई भी बच्चा इस तकलीफ से ना गुजरे। मैम प्लीज, बिकॉज मैम मेरा ऐसा मानना है उस दरमियान शायद रफाई साहब का उरस चल रहा था, जो उरस चलता है दरगाह का मैम उसका ट्रैफिक देखो मैं आपको बता दो, हो सकता है देवस गाइस आर नॉट फ्रॉम बड़ौदा, हो सकता है। आई कैन नॉट से क्यों, क्योंकि वो बाहर इसमें क्या है जो फर्स्ट डे एसएससी में उसको जनरल वार्ड में रखा गया था, एक रेप विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को हाइड किया जाता है, उसको फर्स्ट डे वहाँ पर हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में रखा गया और जो जाता था उससे मिलता था। तो ये बताता है कि सरकार हमारा मजाक बना रही है और सरकार को कोई सीरियसनेस नहीं है। 6 दिन तक खामोशी, हम आज बहुत खामोशी से आए हैं, हम दोबारा खामोशी से आएंगे, हम कैंडल मार्च निकालेंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हम रोज एक मोर्चा बंधारण ने जो हक हमको दिया उस तरीके से करेंगे। हम लोग आपसे ये विनती करने आए हैं कि इसको एक महिला की तौर से देखा जाए, उसको किसी भी धर्म विशेष के साथ ना जोड़ा जाए, बिल्कुल खामोश। हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंजन बेन खामोश है, हमारी दोनों विधायक खामोश है, हमारी मेयर खामोश है। मैडम आपने कार्रवाई की होगी, मैं आपके बारे में नहीं कह सकता, आप हमारी समाहर्ता है, आपसे ये दरख्वास्त है कि इसको जितना जल्दी, लोगों के अंदर ये गुस्सा है लोगों के अंदर, और ऐसा नहीं है मुसलमानों में गुस्सा है, आज बहुत सारी है जो एक लड़की की सुरक्षा होनी चाहिए। आप हमारी माँ है, आप हैं तो हम हैं, अगर एक औरत है तो हम हैं, ये आपसे दरखास्त है, इसका जितने जल्दी से जल्दी इसका इंसाफ दिलाया जाए ऐसी आपसे दरखास्त। मैम फोन इज द बेस्ट थिंग टू कैच देम एंड द सीसीटीवी, प्लीज जी प्रेस अ रिक्वेस्ट, थैंक यू। If you need any help, I'm we all guys. मैडम हम ये थोड़ा सा जांच। Yes, I will. If you want, I can write my number. मैडम can we know, is there any process, have you gone through के इन लोगों ने कुछ इस पर तरक्की की हो? सिवाय पोस्टर्स और 3D पोस्टर्स के अलावा हमें और कोई चीज़ नहीं दिखती। वो negligence act बनता है, गायकवाड़ की ज़मीन है और वो ज़मीन पर बाकायदा उन पर केस होना चाहिए negligence का। वहाँ पर शराब बिकती है, वहाँ पर जुआ चलता है, वहाँ पर ड्रग्स और ये बगैर, तो ये सारी चीज़ें मैडम हम आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको, और जब बड़ा गला दबेगा ना तो खुद ब खुद सामने आएगा। ये छोटे छोटे को पकड़ के आपने किया होगा कोशिश, मैं समझता हूँ पुलिस ने बहुत सारी कोशिश की होगी, लेकिन और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। पब्लिक ऐसा समझ रही है कि अमीर की बेटी होती तो जल्दी फैसला हो जाता, गरीब की बेटी है तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन हमारा मानना अभी भी यही है कि ऐसा नहीं है, पर फिर भी ये पुलिस निष्फल है, उसकी वजह से सब पब्लिक में ज्यादा रोष बढ़ता जा रहा है। साहब दरगाह के पास में 2-3 दिन पहले एक हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था, लड़का याकूबपुरा का था और एक कोई पॉलिटिशियन का लड़की थी, वो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ये लड़की थी हमें नहीं पता था वो कौन है, एक बार टकरा के गई, दो बार टकरा के गई, वो छोटी थी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही तो फोन रख दे, का तो गाड़ी चला रही, एक हाथ से गाड़ी चला रही, एक हाथ से फोन चला रही, तो वो बोलने लगी कि तेरी बेटी मर तो नहीं गई ना, और मर गई हो तब मुझे आके बता, जब वो मेरी छोटी भी बेटी खड़ी थी 2 साल की से, तो बोले मरी तो नहीं, अगर मर गई हो ना तब मेरे पास, और तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, तेरी पत्थरी घुमा दूंगी और तुझे और तेरी बेटी को मैं यहाँ सुलवा दूंगी। इस लड़के को उसने मुझसे बात
बात करी थी तो गुस्से में आके सिर्फ मैंने उसी गाड़ी का कांच थोड़ा उस बच्ची को तो मैंने टच भी नहीं किया था, फिर भी मुझे मेरे हस्बैंड को मैंने मेरे भाई को फोन किया था कि भाई इतना सब कुछ यहाँ पे हुआ है, तो सिर्फ मेरे भाई को फोन किया था, तो मेरे भाई को, मेरे भाइयों के दोस्तों को, मेरे भाई के फोन में जितनों के भी नंबर थे उन सबको, मेरे हस्बैंड के फोन में जितनों के नंबर थे उनको, यहाँ तक कि उनके ओनर को, हर एक्स वाई जेड हमसे जुड़े हर इंसान को पूरी रात वहाँ पे चक्कर लगवाए, इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, हद से ज्यादा टॉर्चर किया। क्यों, मैं मिडिल क्लास थी, मैं नॉर्मल इंसान थी, मैं पॉलिटिकल नहीं थी, इसलिए इसलिए ना मैं सिर्फ 2 साल की बच्ची जिस वक्त गिरी थी उस वक्त मेरी बच्ची का सिर्फ पैर मेरे हाथ में था, पूरी मेरी बेटी पीछे गिर गई और मेरे हस्बैंड के पैर में संध्या है सिर्फ 3 महीनों में, मेरा अंतर आपको पता होगा। और सर मेरी इंक्वायरी में वहाँ पे नहीं हुई थी, जहाँ पे उसने हमको 2 बार हो गए थे वो कैमरे बंद बता दिए, उस वक्त चालू थी कैमरे, हमें भी हमारी भी FIR नहीं ली मैडम, उस वक्त भी हमारी FIR डिलीट हो जाएगा, ऑटो डिलीट भी होते हैं सीसीटीवी, प्लीज जल्दी कीजिए जो करना है। सर हमारी भी FIR तब भी नहीं हुई थी, अभी तक हमारी FIR नहीं मिला था इतनी पहले, बट रिपोर्ट वही है कि हम काम कर रहे हैं, हमने क्या टीमें बना दी, वो ताज्जुब हो रहा है हिंदुस्तान में इजी से जो નાનો મોટો બનાવ બને તો પોલીસ બીજા દિવસ સારો બી પકડી લાવે, પોલીસ પાસે આઈડી છે, પોલીસ પાસે એમના પ્રાઇવેટ મુકબર જો ખબરીઓ છે, આરોપી કેમ નથી પકડાતા, એટલે અમે કલેક્ટરને આજે રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ પોલીસ આમાં તપાસમાં નિષ્ફળ નીવડેલ છે, હવે આ તપાસ CBIને સોંપવામાં આવે અને જે પીડિતા છે એને કોમ્પન્સેશન આપવામાં આવે, અને સરકાર તદ્દન નિષ્ફળ નીવડેલી છે, બેટીઓની રક્ષા કરવામાં, મહિલાઓની રક્ષા કરવામાં, આજે નાની નાની ભૂલકીઓ બાળકીઓ સ્કૂલમાં જતા સવારના ગભરાય છે, સાંજના ટ્યુશનમાં જતા ડીએ છે, શહેરમાં અસલામતીનું વાતાવરણ બનવું છે, આ ગુજરાતને બીજું બિહાર બનાવી રહ્યા છે, આજે 2015, 16, 17, 18, 19 તમે ક્રિમિનલના આંકડા જુઓ તો વધતું જાય છે, ખરેખર ઘટવું જોઈએ, એટલે સરકાર નિશ્ચિત, હું મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રીને રાજીનામું માગું છું। वाकये को और 6 दिन तक पूरी सरकार खामोश है, प्रशासन खामोश है, पुलिस खामोश है, हमने भी कहा, हम भी खामोशी से रास्ते पर आकर हमारा विरोध दर्ज करते हैं, हम लोगों ने मौन रैली निकाली और सरकार से मांग की है कि CBI इंक्वायरी हो, सरकार से मांग की है कि जहां पर ये घटना बनी है वहां पर इन लोगों को, जिन लोगों की वो जगह है वो नेग्लिजेंस के लिए, उनको भी बुक किया जाए। और सबसे अफसोस की बात यह है कि बड़ौदा शहर में आज 5 key places पे हमारी 5 बहनें बैठी हैं, कलेक्टर मैडम खुद हैं, रंजन बेन हैं, सीमा बेन है, मनीषा बेन है, जिगीशा बेन है, ये सारे की सारी महिलाएं हैं, तो कम से कम इतनी संवेदना तो होनी चाहिए, इतनी वेदना होनी चाहिए कि किसी बच्ची के साथ हुआ है तो हम आगे आएँ, किसी धर्म विशेष को इसमें न रखते हुए उनको फौरन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और करवानी चाहिए। अभी आपको कलेक्टर श्री ने आपको क्या बोला? मैडम ने ये कहा है कि मैं इसमें इंटरवीन करूंगी और मैं कोशिश पूरी करूंगी कि इसको, आप लोगों को इंसाफ मिले।